कि उनको शुभकामनाएं हैं बहुत ज़्यादा कि वो सब कुछ सर्व संपन्न कर पाएं, और हमारा देश की बहुत उम्मीदें हैं उनके साथ में, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाना चाहते हैं, तो अगर उसके बाद हमारा 10 ट्रिलियन हो जाता है तो वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं उनको कि उन्होंने अपने लिए जो भी गोल्स रखे हैं वो उनको सबको हासिल करें। लगातार आप समर्थन करती रही चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों का, और वो समर्थन लगता है काम आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री हम तो बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, हमारा समर्थन तो उनके साथ हमेशा ही है, लेकिन वो बहुत जो कहते हैं ना पूरे देश के द्वारा बहुत ज़्यादा चाहे और सराहे हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी अपने किए हुए वो कर्म हैं, हम लोग तो सिर्फ उनको सराह सकते हैं। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। Morning, ma'am. How are you? I'm fine. Ma'am, wait. Wait, ma'am. आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, ऐसा एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक जीत भी हुई है हमारे बीजेपी के लिए, एंड तो पूरा श्रेय जाता है मोदी जी को। उन्होंने जो उनका करिश्मा, उन्होंने जो काम किया है, तो जनता जिससे प्रभावित है, जिसकी वजह से ये आज हो रहा है। एंड मैं भी मथुरा से जीत कर आई हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि उनके लीडरशिप के नीचे मुझे भी देश के लिए कुछ काम करने का अवसर मिल रहा है। प्रेशर बढ़ जाता है जब इतनी बहुमत से, जब इतनी सरकार आती है, लोगों की इतनी आशाएं। जरूर जरूर, तो आपका क्या क्या टेक है? बहुत सारी आशाएं ज़रूर जुड़ जाती है, लेकिन वो सब फुलफिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है देश के लिए। वो सिर्फ अपना या किसी इसके लिए नहीं देख रहे हैं, ही इज़ सीइंग, उनका पूरा प्लान रेडी है उनके दिमाग में, विच ही विल नॉट टेल लाइक दैट, लेकिन डेफिनेटली करेंगे वो। हेमा मालिनी इस वक्त हमारे साथ हैं, शपथ ग्रहण।